हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक विद टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है और उसको किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। SFD BMD जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है हमारा और उसके अंदर एक चैप्टर है SFD एंड BMD। SFD और BMD होता क्या है? SFD का मतलब होता है शियर फोर्स डायग्राम और BMD का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आज यही हमारा जो टॉपिक है और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से SFD और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना बताएंगे बिल्कुल आसानी के साथ। आपको करना क्या है कि जो हमारी वीडियो है इस वीडियो को अंत तक देखना है जिससे कि आपको और अच्छे से समझना है, ताकि जो हमारी वीडियो है इस वीडियो से आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आसानी से ड्रॉ करना आ जाएगा। लेकिन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले कुछ हमारे टॉपिक हैं वो हमें उसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम वो टॉपिक अगर हमें समझ में नहीं आएंगे तो हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो हम चलते हैं उन टॉपिक को पहले कवर करते हैं, ताकि जब हम वो हमारे जो टॉपिक हैं अगर वो कवर हो जाएंगे तो उसके बाद जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसको हम बिल्कुल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी तरीके का बीम होगा, उस बीम पे क्या लोडिंग है, कैसे शियर फोर्स ड्रा होगा, कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा होगा, वो सब हम बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं सपोर्ट्स। सपोर्ट्स क्या होती हैं? अगर किसी कोई बीम है, अगर वो बीम होगा वो हमारा सपोर्ट्स पे रुका हुआ होगा। यदि सपोर्ट्स नहीं होंगी तो बीम हमारा रुक नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो बीम में सपोर्ट्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सपोर्ट्स क्या चीज़ होती है, सपोर्ट्स कितने टाइप्स की होती हैं। जब हमें सपोर्ट्स का पता लग जाएगा तो हमें बीम का भी पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें सपोर्ट्स के बारे में जानना है, उसके बाद ही हम बीम को बता सकते हैं कि ये बीम किस टाइप का है। तो सबसे हमारा पहला आती है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट क्या होती है? जैसे ही सपोज दैट ये बीम है, इस बीम में ये हमारी सपोर्ट है, यहाँ से ये जो हमारा हिंज होती है, हिंज का मतलब होता है कब्जा टाइप में। कौन सा होता है हिंज का? कब्जा टाइप में होता है। इस बीम को हम ये इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। ये इस डायरेक्शन में हो सकती है, इस डायरेक्शन में मूव हो सकती है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकती। तो इसे कहते हैं हम हिंज सपोर्ट। नेक्स्ट आती है हमारी फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट क्या होती है? जैसे ये है, ये जो हमारा बीम है इसका ये एक सिरा है, यहाँ ये कैसी सपोर्ट है? ये फिक्स है। इसका मतलब क्या है कि जो बीम है हमारा वो फिक्स है, ना तो ये इधर मूव कर सकता है, ना इधर मूव कर सकता है, ना इधर मूव कर सकता है, ना ही इधर मूव कर सकता है। ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। जिस ये जो यहाँ बना हुआ है वो इसी तरीके का बना रहेगा। फिर आपका आता है हमारा रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट क्या होती है? जैसे ये बीम है, इस बीम में जो हमारे जो होता है कि जो सपोर्ट्स के नीचे रोलर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? रोलर, जिससे क्या होता है ये जो हमारा हल्का सा मूव करने लगता है। क्या होता है? जैसे ही इस पर कोई लोड आएगा तो ये हल्का सा मूव करने लगेगा, इसलिए इसको कहेंगे हम रोलर सपोर्ट। सपोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया। और हमारी जो सपोर्ट्स पे हमारी जो, जैसे हम बता दें कि कुछ रिएक्शंस काम करती हैं, जैसे सपोज दैट कि हमारा अगर इस पर कोई लोड आया, इस पर लोड आने के बाद क्या होगा कि जो हमारी ये सपोर्ट है, जैसे ये हिंज है, ये फिक्स है और ये रोलर सपोर्ट, क्या करेंगी? उस लोड को रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में अपनी फोर्स लगाएंगी और वो रिएक्शन जनरेट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर हमें बताएं, जैसे कोई ये हमारा इस टाइप का कोई बीम है, ठीक है, ये जब इस पर कोई हम डब्लू लोड, सामने मान लिया कि कोई डब्लू लोड है, तो इस यहाँ पे जो सपोर्ट होंगी, सपोज दैट ये फिक्स सपोर्ट है और ये हमारी कोई रोलर सपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे इस लोड के कारण इसमें जो होगा वो रिएक्शन जनरेट हो जाएंगी। तो जो रिएक्शन होंगी, जब लोड इधर नीचे की तरफ को लग रहा है तो रिएक्शन ऊपर की तरफ को काम करती है। जैसे पॉइंट एक सिर्फ इसका ए है, ये बी है, तो ये जो हमारा ए एंड होगा इस पर जो रिएक्शन जनरेट होगी वो आर ए कहलाएगी, और जो V एंड है उस पर जो रिएक्शन जनरेट होगी वो RV कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई बीम है, जब किसी भी बीम पे हम W लोड दे रहे हैं, ये लोड है, ये W लोड अगर काम कर रहा है तो जो हमारी सपोर्ट्स हैं, हमने बताया ये फिक्स सपोर्ट है, ये
हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट है। तो जब ये लोड, ये जो लोड जब आ रहा है इस पर, तो क्या होगा, इसमें लोड आने की वजह से कुछ रिएक्शन जनरेट हो जाती हैं। वो क्यों होती है, क्योंकि इस लोड को रोकने के लिए या इसका प्रतिरोध करने के लिए, ताकि जो हमारा बीम है वो सेफ बना रहे। अगर सपोज दैट कि हमारी जो रिएक्शन है, अगर रिएक्शन काम नहीं करेंगी तो जो लोड आएगा इस पर, तो लोड क्या होगा, लोड जो है बीम को क्रैक कर देगा। इसलिए क्या होता है, जब लोड हमारा बीम पर लोड काम करता है तो हमारी रिएक्शन जनरेट हो जाती हैं। उन रिएक्शन को हम कहते हैं आर ए आर वी। जो ए पॉइंट पर रिएक्शन जनरेट होगी उसको आर ए, और जो बी पॉइंट पर रिएक्शन जनरेट होगी वो उसे आर वी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा, हमने बताने की बहुत आपको कोशिश की है। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस एफ डी और बी एम डी के पर्पज़ से। जब कोई हम अगर हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो उसमें टाइप्स ऑफ बीम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। किस टाइप का बीम है, किस टाइप का बीम है और वो किस तरह से हमें ड्रॉ करना है कि हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बीम की डेफिनेशन आपको बताते हैं कि जो बीम की डेफिनेशन होती है, बीम क्या होता है, बीम इज़ ए हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। जो बीम होता है वो एक हॉरिजेंटल मेंबर होता है किसी भी बिल्डिंग और किसी भी स्ट्रक्चर का, जो हम विच इज़ यूज टू सपोर्ट ट्रांसवर्स लोड। जैसे ये जो हमारा लोड है इसको कहते हैं ट्रांसवर्स लोड। जब हमारा कोई ट्रांसवर्स लोड आता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए क्या बनाते हैं, हम बीम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बीम बनाते हैं। जैसे कोई ट्रांसवर लोड को सपोर्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, हम बीम लगा देते हैं। जैसे स्लैब है, स्लैब का लोड इस पर पड़ेगा तो स्लैब का लोड ये ट्रांसवर्स होगा, तो स्लैब के लोड को रोकने के लिए हम क्या डाल देते हैं बिल्डिंग में, बीम डाल देते हैं। और बीम टिकाऊ किस पर होता है, ये सपोर्ट्स पे। अगर हमारी हिंज सपोर्ट है तो हिंज होगा, अगर फिक्स सपोर्ट पर टिका है तो फिक्स होगा, और अगर रोलर सपोर्ट पर रुका है तो वो रोलर सपोर्ट होगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम हम चलते हैं, बीम के बारे में हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ बीम कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, अब इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ करने से पहले आपको बीम के बारे में पढ़ना आवश्यक है, तभी आप शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये इसके दो एंड है, एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। पहला एंड जो हमारा एक सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड वो सपोर्ट होती है जिसमें एक जो एंड होता है हमारा उस पर हिंज सपोर्ट हो और दूसरे एंड पर रोलर सपोर्ट हो। इस प्रकार के बीम को क्या कहेंगे, हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कंटिलीवर बीम। ये जो हमारा अब जो है हमारा सिंपली सपोर्टेड के बाद कैंटिलीवर बीम आता है। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, जिसका एक एंड जो है वो फिक्स हो और दूसरा एंड हमारा फ्री हो, ऐसे बीम को कैंटिलीवर बीम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैंटिलीवर बीम हो गया हमारा। उसके बाद हमारा आता है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम क्या होता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये जो बीम है उसके एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है, दोनों ही एंड कैसे हैं, वो हमारे फिक्स सपोर्ट से फिक्स सपोर्ट हैं, या दोनों ही एंड कैसे हैं, फिक्स हैं। तो ऐसे बीम को क्या कहा जाता है, फिक्स्ड बीम कहा जाता है। कह सकते हैं आप कि वह बीम जिसके दोनों ही एंड कैसे हों, फिक्स हों, ऐसे बीम को हम फिक्स्ड बीम कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है, हम आपको बताएंगे कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम क्या होता है, ये बीम है इसमें हमारी एक दो तीन सपोर्ट लगी हुई हैं। तो आप कह सकते हो कि ऐसा बीम जिसमें दो से अधिक सपोर्ट्स अगर हमारी लगी हुई होंगी तो उस बीम को क्या कहते हैं, कंटिन्यूस बीम कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई चीज़ लगातार, या दो से अधिक कोई भी चीज़ होती है तो उसे कंटिन्यूस कह देते हैं। ठीक है, ऐसा बीम जिसमें दो से अधिक सपोर्ट्स होंगी उस बीम को हम कंटिन्यूस बीम कहते हैं। इसके बाद आता है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है कि ऐसा बीम, जैसे ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट है, आप देख रहे होंगे कि जो सपोर्ट से इधर हिस्सा थोड़ा निकला हुआ है, जैसे ये है, इस सपोर्ट से इधर इधर का हिस्सा थोड़ा निकला हुआ है, तो आप कह सकते हो कि ओवर बीम, जो ओवरहैंगिंग बीम जो होता है वो हमारा सपोर्ट से बाहर निकला हुआ निकला हो, जो बीम है वो सपोर्ट से बाहर की तरफ अगर निकला होगा तो उस बीम को हम ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है
साइन कन्वेंशनल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम हो या कंटिन्यूस बीम हो या कैंटिलीवर बीम हो या फिक्स बीम हो, इन सब पे ही ये हमारा साइन कन्वेंशनल जो है वो अप्लाई होता है। जब तक हम अगर साइन कन्वेंशनल को अगर हम नहीं समझेंगे कि साइन कन्वेंशनल क्या है, तब तक हम जो है SFD और BMD ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो साइन कन्वेंशनल ही है, अगर आपको ड्रॉ करना है SFD BMD बिल्कुल आसानी से, तो जो साइन कन्वेंशनल है उसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। जैसे हमारा शियर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशनल जो है वो अलग होंगे, बेंडिंग मोमेंट के लिए जो साइन कन्वेंशनल है वो अलग टाइप से होंगे। साइन कन्वेंशनल का मतलब क्या है कि जो हम शियर फोर्स डायग्राम है या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है और उस पर जो लोडिंग है वो किस तरह की लोडिंग है, नीचे की तरफ को लोडिंग हो रही है कि ऊपर की तरफ को लोडिंग हो रही है, किस टाइप का हमारा लोड अप्लाई हो रहा है। तो हम चलते हैं शियर फोर्स में। अब बताएंगे आपको शियर फोर्स में, आपको शियर फोर्स जैसे ही कोई बीम अगर आपको दे रखा है और उसका अगर SFD और BMD आपसे बनाने को कह रहा है, तो सबसे पहले आपको शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना होगा। तो शियर फोर्स में हम चलते हैं, तो शियर फोर्स में आपको ये रन याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना होगा? RUN रन, इसका मतलब होता है आपको राइट अपवर्ड नेगेटिव। देखिए ये जो हमारा है, जैसे ये सेक्शन है, ठीक, ये जो पोर्शन होगा वो राइट कहलाएगा और ये जो होगा वो लेफ्ट कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन के इधर का जो पोर्शन होगा वो राइट कहलाएगा, इधर के इस सेक्शन के इधर का जो पोर्शन होगा वो लेफ्ट कहलाएगा। तो हमने रन याद रखे, राइट आर से हो गया राइट, यू से हो गया अपवर्ड और एन से हो गया नेगेटिव, राइट अपवर्ड नेगेटिव। जैसे ये देखिए, ये हमारा कोई रिएक्शन है, हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई अगर बीम होगा, अगर उस पर लोडिंग होगी, तो लोडिंग होने के बाद हमारी अगर कोई लोडिंग नीचे की तरफ को तो रिएक्शन ऊपर की तरफ को लगेंगी। तो ये देखिए, ये जो हमारी रिएक्शन है वो किधर की तरफ को है? ऊपर की तरफ को। तो इसका मतलब क्या है, अगर लोड हमारा इस टाइप से लोडिंग हो रही है, नीचे की तरफ को लोडिंग हो रही है, तो रिएक्शन ऊपर को काम करेगी। तो हमारा अगर रन याद रखना है आपको, आर यू राइट अपवर्ड नेगेटिव, तो ये देखिए राइट 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 का मतलब अपवर्ड ऊपर की तरफ, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव साइन, और हमारा ठीक है। अब यदि राइट अपवर्ड नेगेटिव तो लेफ्ट डाउनवर्ड पॉजिटिव। देखिए समझ में आ रहा है, यदि राइट अपवर्ड नेगेटिव है तो राइट डाउनवर्ड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यदि कोई लोडिंग इधर से ऊपर की तरफ, ये राइट पोर्शन है बीम का, ये राइट है, ये लेफ्ट है, यदि कोई हमारा जो रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ को लग रही है, तो इसका मतलब राइट अपवर्ड नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा। यदि कोई इस बीम के ऊपर से कोई रिएक्शन लग रही है, तो इसको कहेंगे हम राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, मतलब अगर ये नेगेटिव तो इधर की तरफ को लोड का ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह आपको करना क्या है, जब लेफ्ट डाउनवर्ड नेगेटिव तो लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव। समझ में आया? अगर कोई लोडिंग ऐसे और इस टाइप से हो रही है, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अगर हमारी ये है, अगर कोई लोडिंग इस टाइप से हो रही है और इस टाइप से, तो ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आपको रन याद रखना है, जैसे सपोज दैट आप कहीं पे भी एग्ज़ाम है, आपको SFD और BMD ड्रॉ करने के लिए आ जाए, तो आपको करना क्या है, RUN रन याद करना है। उस रन से ही आप जो है ये साइन कन्वेंशनल आसानी से सीख जाएंगे। इसका मतलब क्या है, राइट अपवर्ड नेगेटिव, आपको क्या करना है, ऐसे बीम बनाना है, उसका बीच में एक सेक्शन काट लेना है, ये जो पोर्शन हमारा राइट हो गया, ये जो पोर्शन हो गया लेफ्ट। अगर आपको इस तरह से लोडिंग कर रही है, ऊपर की तरफ को लोडिंग हो रही है तो नेगेटिव, और यहाँ से अगर नीचे की तरफ को लोडिंग हो रही है तो ये भी नेगेटिव। यदि हमारा जो अब आते हैं ये जो हमारा राइट है, राइट में अगर डाउनवर्ड नेगेटिव है और ये अपवर्ड लोडिंग है, तो ये भी दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये हमारा शियर फोर्स में आ गया। अब आता है बेंडिंग मोमेंट। जब हमारा जो लोडिंग होगी, आपको इसमें अलग से देखनी पड़ेगी, इसमें अलग साइन हमारे यूज़ होंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बेंडिंग मोमेंट में देखना है। जो बेंडिंग मोमेंट में हमारा होता है, हॉगिंग और सैगिंग होती है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या क्या होता है हमारा, हॉगिंग होती है और सैगिंग होती है। जो हॉगिंग है वो इस टाइप से होगी, समझ में आ रहा है। अगर कोई लोडिंग जैसे कोई बीम है और उस बीम को नीचे की तरफ को अगर कहेगा, तो हमारा हॉगिंग होगी, हॉगिंग का मतलब निगेटिव। और जैसे अगर ये बीम है, इस बीम को अगर कोई हमारा
जो लोडिंग हो रही है वो ऊपर की तरफ को हो रही है, ऊपर की तरफ को, तो सैगिंग इसका मतलब पॉजिटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये आपको याद रखना है कि जो हमारी, जब हम नाव में बैठे हुए हैं, ये दिख रहा है आपको कि जो नाव है, इस नाव की तरह का अगर कोई हम बीम बनेगा तो वो कहलाएगा पॉजिटिव। यदि नाव अगर हमारी उल्टी हो जाती है तो वो कहलाएगी हॉगिंग या नेगेटिव। अगर हम आपको समझा देंगे कि सपोज दैट कि ये कोई हमारा, हम आपको ये कोई बीम है, ठीक है, इस बीम में यहाँ जैसे कोई ये लोड लगा है और ये लोड लगा है, तो ये आपको कैसे, ये लोड को कैसे कर देगा, इस बीम को थोड़ा इस टाइप से करने की कोशिश करेगा, मतलब इस टाइप से करेगा, ये जो इसको नीचे इधर को लचाने की कोशिश करेगा, और ये जो लोड है ये W1, ये 1 और ये 2 है, तो जो W1 लोड है वो इस बीम को नीचे की तरफ को लचाने की कोशिश करेगा, और W2 है ये इधर को लचाने की कोशिश करेगा। तो अब हम इस प्रकार की अगर कोई हमारी बीम पर लोडिंग हो रही है तो वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हॉगिंग, मतलब नेगेटिव। और यदि हमारा जो बीम है, इस टाइप्स का कोई बीम है, ठीक है, अगर कोई इस टाइप से हमारी कोई लोडिंग हो रही है जैसे ये, तो ये कैसे करेगी इस बीम को, कैसे करने की कोशिश करेगा, ये इस टाइप से करने की कोशिश करेगा, मतलब ये जो ये जैसे ये मान लीजिए हमारा ए पॉइंट है, ये बी है, ये यहाँ आर ए हो रहा है और ये आर वी हो रहा है, ठीक है, जैसे ये आर ए हो गया और ये आर वी हो गया, तो जो रिएक्शन है, जैसे जो रिएक्शन आर ए ऊपर की तरफ को लग रही है और आर वी ये भी ऊपर की तरफ को लग रही है, तो इस बीम को कैसे करने की कोशिश कर रही है, ये थोड़ी ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी जब लोडिंग नीचे से ऊपर की तरफ को लग रही है तो ये बीम को कैसे करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा ऊपर ही कर रहा है, मतलब ये नाप बनाने की कोशिश कर रहा है इस तरह से, तो इसको कहेंगे सैगिंग, मतलब जो इस तरह की लोडिंग होगी तो इसमें हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आती है डेफिनेशन कि शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। शियर फोर्स की जो डेफिनेशन है, द शियर फोर्स ऑफ शियर फोर्स एट एनी सेक्शन द समिशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्स आइदर लेफ्ट और आइदर सेक्शन एंड राइट ऑफ द सेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे लोडिंग होगी, किसी भी बीम पे लोडिंग होगी, चाहे वो लेफ्ट देखो या राइट होगा, दोनों का सम जो हमारा, अगर जैसे सपोज ये हमारी कोई बीम है, इस पे हमारा जो है एक सेक्शन ये है, दूसरा सेक्शन ये है, अगर हम इस सेक्शन के बीच में या सेक्शन मान लिया, अगर इधर का हम मोमेंट या जो शियर फोर्स देखेंगे तो वो इस शियर फोर्स के इक्वल होगा, मतलब आप कह सकते हो द शियर फोर्स एट एनी सेक्शन सम ऑफ द ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस, जितने भी यहाँ पे जो ट्रांसवर्स फोर्स लगेंगे उनका सम होता है, चाहे आप राइट देख लीजिए चाहे आप लेफ्ट देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो है बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट भी यही है, द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन द समिशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्स आइदर लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और राइट ऑफ द सेक्शन। मतलब आप क्या करना है कि जो हमारा बीम है, बीम जैसे ये बीम है, इस बीम के किसी भी सेक्शन में अगर आप चाहें वो आप लेफ्ट ले लीजिए चाहे आप राइट ले लीजिए, सबका सम जो है इसका और इसका सम हमारा बराबर होगा, अगर आप लेफ्ट लेंगे तब भी बराबर होगा, अगर आप राइट लेंगे तब भी बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमने आपको इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले ये जो हमने टॉपिक बताए हैं इनको आपको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन टॉपिक को अगर आप कवर नहीं कर पाएंगे या आपको ये टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आएगा तब आप शियर फोर्स और शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, ये जो है हमने जो इस वीडियो में आपको बताया है, सबसे पहले आपको इनकी तैयारी करना है, इनको अच्छे से समझना है, और हम जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना बताएंगे, इन जो हमने टॉपिक बताए इन टॉपिक के बेसिस पे। और आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको पता लगेगा कि जो हमने बीम बताए हैं, सपोर्ट्स बताए हैं और साइन कन्वेंशनल बताए हैं, इनका यूज़ क्या है। आपको जो है हम जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉ करेंगे उसमें इन सब चीज़ों का यूज़ होगा।
अब हमारी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, फिर उसके बाद आपका बेल आइकन दबेगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर दें, उसके बाद जो है आपको हमारी तरफ से जो भी वीडियो हमारी अपलोड होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करें और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, जिससे कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो हम SFD और BMD ड्रॉ करेंगे उसमें आपको आसानी रहेगी। थैंक यू।